नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत के महान धावक और हर भारतीय के लिए प्रेरणा रहे भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। अपनी दमदार उपलब्धियों से भारत का नाम देश दुनिया में रोशन करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। दरअसल कुछ समय पहले मिल्खा सिंह कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि अपनी जिंदगी की ज्यादातर दौड़ों की तरह उन्होंने ये जंग भी जीती, पर नेगेटिव आने के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती कराया गया। उन्हें तेज बुखार आया था, जिसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया और अंततः दुखद उन्होंने शुक्रवार को प्राण त्याग दिए और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी कोरोना के चलते देहांत हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है, वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 साल की थी। इसी हफ्ते पत्नी की मौत हो जाने के बाद भी मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वो खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके उनके निधन की सूचना दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को मिल्खा सिंह से फोन पर बातचीत भी की थी और उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। पीएम ने कहा था कि मिल्खा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने और प्रेरित करने के लिए जल्द ही वापस आएंगे। मिल्खा सिंह के देहांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसी कई दिग्गज हस्तियों ने दुख जताया है। मिल्खा सिंह एक महान धावक, एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने इन्हीं गुणों के चलते कई उपलब्धियां भी हासिल की थी, इतनी कि बताना भी मुश्किल है। पर हम आपको कुछ वो उपलब्धियां बताएंगे जो शायद ही मिल्खा सिंह के अलावा कोई और हासिल कर सकता था। पर उससे भी पहले मिल्खा सिंह के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहेंगे। उम्मीद लिए आंखों में, गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कर कुछ ऐसा कि कल तेरे पीछे जमाना होगा। वो कहते हैं, पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदल सकते हो, पर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल सकते हो। चलिए बताते हैं मिल्खा सिंह की कुछ खास उपलब्धियां। मिल्खा सिंह एशिया खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। उन्होंने 1958 और 1962 के एशिया खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते और साथ ही मेलबर्न में 1956 के समर ओलंपिक, रोम में 1960 समर ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के समर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये तो थी मिल्खा सिंह के जिंदगी की कुछ उपलब्धियां। अब आपको रूबरू कराते हैं मिल्खा सिंह की जिंदगी से। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके वहां के एक सिख परिवार में हुआ था। मिल्खा सिंह विभाजन के बाद भारत चले आए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। कुछ वक्त सेना में रहे, लेकिन खेल की तरफ झुकाव होने की वजह से उन्होंने क्रॉस कंट्री दौड़ में हिस्सा लिया। इसमें 400 से ज्यादा सैनिकों ने दौड़ लगाई। मिल्खा सिंह को इसमें 6ठा नंबर मिला था। मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में भाग लिया। कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन आगे की स्पर्धाओं के रास्ते खोल दिए। 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 और 400 मीटर में कई रिकॉर्ड बनाए। इसी साल टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 200 मीटर 400 मीटर की स्पर्धाओं और राष्ट्रमंडल में 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीते। उनकी इस सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया था। अब आपको मिल्खा सिंह के विश्व चर्चित नाम फ्लाइंग सिख के बारे में सुना ही होगा। मिल्खा सिंह पाकिस्तान में आयोजित एक दौड़ के लिए गए। इसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख नाम दे दिया। आपने मिल्खा सिंह के जीवन पर साल 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग जरूर देखी होगी। अप्रैल 2014 में 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार मिला।
इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी पुरस्कृत किया गया था। वैसे तो इस फिल्म से मेकर्स ने करोड़ों रुपए कमाए थे और वो लॉयल्टी के तौर पर मिल्खा सिंह को भी करोड़ों रुपए देना चाहते थे, पर मिल्खा सिंह अपनी जीवनी को लोगों के सामने रखने के लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहते थे। अंततः उन्होंने मात्र 1 रुपए लॉयल्टी के तौर पर लिया। तो ये थी मिल्खा सिंह के जीवन से मरण तक की उनकी संघर्ष की कहानी। अब मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, भले ही वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, शायद हम कभी उन्हें सुन ना सकें, पर ये सच है कि वो हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। जब भी कोई ओलंपिक्स की बात करेगा तो मिल्खा सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कोई भी ओलंपिक्स खेलना चाहेगा तो मिल्खा सिंह उसके आदर्श होंगे। मिल्खा सिंह के जीवन की कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। मिल्खा सिंह अपने जीवन में कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के साथ अपना नाम इतिहास में दाखिल उन्होंने किया है। हमारे दिलों में वो सदैव जिंदा रहेंगे। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।